क्या कर रहे थे हम? सर्किट थ्योरी में क्या सीखा हमने? जीरो मान चालू हो गया, अगर ना फंसो तो कुछ नहीं, अगर ना फंसो तो करंट निकाल लो, और फंस जाओ तो क्या मान लो, और क्या लगा दो? जंक्शन लॉ। कितने क्वेश्चंस किए थे जंक्शन लॉ पे? कल दो तीन किए थे ना। करते चलो क्या हो गया है? डिस्कशन कर लो, करो करो। Yeah.
कितने लोगों से हो गया फर्स्ट वाला? आयुष लास्ट क्लास में आए थे, फर्स्ट 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 क्या हो गया यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? कहाँ जीरो वाला? नीचे। चलो यहाँ जीरो तो यहाँ पे जीरो, अरे आवाज नहीं आ रही, जीरो यहाँ पे, जीरो यहाँ पे, यहाँ पे, अरे यहाँ पे यहाँ टेन, तो यहाँ पे टेन, यहाँ पे आवाज आवाज, अरे यहाँ टेन है तो यहाँ पे चमत्कार हो गया एकदम, यहाँ पे, यहाँ पे कितना करंट आया? इसमें कितना आया? इसमें कितना आया? ठीक है अच्छा। दूसरी चीज सिमोन का डाउट, चलिए बैटरी नीचे लगी, रेजिस्टेंस ऊपर लगा, नहीं फिर भी मैं तुम्हारा डाउट और अच्छे से क्लियर करता हूँ। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों सर्किट में क्या डिफरेंस है? दोनों सर्किट में वायर में कोई डिफरेंस है? चेंज कर दो यार पोजीशन, घर की बात। अरे एक वायर में एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, ऊपर नीचे लगा दो यार। मुझे इस पॉइंट में पोटेंशियल बता देना बस, कितना है? 5 वाला, हां 5 वाला, 5 कितने बच्चों का 5 वाला? अच्छा कितने बच्चों ने सॉल्व किया इसको? कुछ और आ रहा है? सिद्धार्थ करो करो, आंसर आना चाहिए, सबका आना चाहिए प्लीज। क्या कहते हो यार, आरुष्मान आरुष टू? नहीं सर, निकनेम क्या है तुम्हारा?
नियम से बुझा लो मेटल चलो और सॉल्व करते हैं। पहले तो जीरो कहाँ ज़ूम किया? नीचे। चलो आओ। जीरो, जीरो, जीरो। यहाँ जीरो था यहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे? क्या यहाँ पे x मान लूँ? x plus 4 by 2 plus x minus 10 by 2 plus x by 2 plus x plus 2 by 2 is equal to 0. 1, 2, 3, 4 x minus 10 plus 4 minus 6 minus One is correct. कितने बच्चों को बनाया है? Very nice. Yes, Mr. Udayan. Chemistry करी बेटा? उसने 14 मार लिया। कुछ गलत लिखा है? नहीं, मैंने 0 और 4 लिया। आपने ऊपर ये माना था ना? तो भी ले लो। तेरा कितना आ रहा है आंसर? 5 कैसे आ जाएगा? अगर तूने ऊपर 0 माना है? मैंने ऊपर तूने कहाँ 0 माना है? ऊपर 0 है। ऊपर 0 है। यहाँ? नहीं, मैंने 4 डेटर यहां 0 थी, यहां 0 तो यहां पे 4 14 या और यहां माइनस 5 मैंने 2 लिया, सॉरी माय बैड। अरे भाई साहब, ये क्वेश्चंस होने चाहिए। कितने कर लिए? 10 तो हो गए शायद, कल से होने चाहिए सवाल। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक सारी क्लास का आंसर नहीं आएगा। ट्राई द नेक्स्ट वन, गलत मत करो प्लीज। हाँ यार, फिर भी 4 आ गया। मैंने बात क्या हो गया? 4 आ गया। शीरपुरमा खाया सबने? शीरपुरमा सिमोन वाज टू गिव ट्रीट यस्टरडे, तुम लोग ने छोड़ कैसे दी? अरे सिमोन, लेट्स गो, अभी जाते हैं। ओ सजी, आप थे नहीं कल? लेट्स गो। सो मैं उसको किया से शीरपुरमा किया पेट पे। We want to have a party at your home. Nice. And we want you to cook. Oh. I can't cook, sir. So do you eat it? जरूरी नहीं है खाना आना चाहिए, पर शादी के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया आपको खाना बनाना जरूर आना चाहिए। What is this?
जल्दी जल्दी आदित्य और रोजा क्या हो रहा है आदित्य राजा अरे मतलब तुम लोग की बात बातें नहीं खत्म होती हैं यार आया ना सर बातें मत करो यार प्लीज यार मैं बताऊंगा अरे आई टेल चलो ट्राई नेक्स्ट वन हाँ इस पे आ जाओ जीरो कहाँ है क्या है सर सबका आया सिर्फ 8/5 कितने बच्चों का आंसर नहीं आया हाथ खड़ा करो ऑनेस्टली देखो मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ 0 0 0 10 माइनस 6 8 माइनस 6 2x माइनस 2 बाय 2 प्लस x प्लस 6 बाय 2 8 बाय 2 प्लस x प्लस 6 बाय 2 प्लस x माइनस 10 बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 कितना आ रहा है
कितने बच्चों का सॉल्व हो गया या रफ्तार बढ़ाओ प्लीज वाना चाहिए आंसर किसने बोला है स्केल यूज करो कितने बच्चे स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं इसको एकदम वेले टाइम पास थोड़ी मच्छी हो क्या हमने वो लोग देखे वो बॉलीवुड मूवीज में होते हैं एक एक्टर होता है उसकी तीन चार शादी कर दी जाती है उसके 20-30 बच्चे होते हैं और उसको कमाने का साधन नहीं होता है तो वो बैठ के जो टाइम पास करता है ना सोचते हुए मैं क्या करूं डोंट टेल मी कि तुम ये रेजिस्टेंस भी स्केल से बना रही है चलो यहाँ जीरो यहाँ पे इधर भूसा मार दूंगा दर्द बोला किसी ने कितना इधर इधर और कहीं लिख सकते हैं ऊपर यहाँ पे कितना अरे अमाज तो यहाँ पे अमाज x माइनस टू यहाँ पे x माइनस टू चलो आप इसको इधर लगाते हैं x minus 8 by 2 I'm always there plus x by 2 plus x minus 4 by 2 I'm getting what now plus x minus 2 by 2 अरे एक मिनट कैलकुलेशन चेक करो मैंने कुछ गलती करी है क्या देखो मैंने क्या किया x माइनस 8 बाय 2 x माइनस 0 बाय 2 x माइनस 4 बाय 2 अब इस वायर में जो करंट आएगा दैट विल बी समेशन ऑफ दीस टू वायर्स सो x माइनस 2 बाय 2 एंड x माइनस 2 प्लस 6 बाय 2 दैट इज x प्लस 4 बाय 2 सॉल्व कर लो यार कितनों का आया 2 वोल्ट्स मिस्टर उदयन सॉरी सर अरे बात है नहीं मैंने चार वेरिएबल्स लिए और क्या पर ये सिक्स है x माइनस जो एक्स माइनस वापस ले गया एक्स माइनस वोल्ट कर दिया अच्छा तुमने इधर से उधर लिखा नहीं मतलब ये सब कोई स्पोर्ट लॉ ही ना मैं एक बार अच्छे से बता दूं बोर्ड लॉ बनेगा ठीक है मैं ये वो जो माइनस सिक्स आया ना करेक्ट मैंने वापस जो टू वोल्ट 18 वायर है ना तो माइनस सिक्स प्लस टू चल गया है नहीं कैसे करेंगे माइनस सिक्स के ऊपर रेजिस्टेंस है ना यहाँ माइनस सिक्स है तो यहाँ का पोटेंशियल आपको पता कनेक्टिंग वायर ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिंग वायर थोड़ी बीच में रेजिस्टेंस है यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ नहीं लिख सकते यार x माइनस टू माइनस माइनस सिक्स दैट इज प्लस सिक्स तो x माइनस टू प्लस सिक्स दैट इज x प्लस फोर
अरे x माइनस टू माइनस ऑफ माइनस सिक्स कितने बच्चों का सही आया ये यार जब तक सही नहीं करूँ ना आगे नहीं बढ़ेगी क्या टाइम पास कर रहे हो यार इसमें Can I raise this? Hamza, Hamza. सर इतने सर्किट क्लास टेंथ में करा देते ना आपको मैं गारंटी देता हूं तुम ये सर्किट करना भूल जाओ कभी तो अरे प्रैक्टिस करा रहा हूं कहां स्केल से परेशान हो रहे हो टीचर बनना है आगे चल के यस और नो क्यों बना रहे हो बच्चे बच्चों को फीमेल टीचर्स बहुत पसंद होती है लाइन लग जाती है एकदम सही बता रहा हूं चाहे पढ़ाना आए चाहे बट वो बच्चे सेलेक्ट होंगे ऐसा कोई जरूरी यार बातें नहीं प्लीज यार बातें नहीं यार बहुत ज्यादा आता है तुम्हें सर्किट क्या खा के आए हो देव सुबह सैंडविच कितने लोग सुबह पराठे ठूंस के आए पराठे क्लास में आके उबासी देता हुआ दिख गया ना मुझे कोई और एक तो अगर लेट आता हुआ कोई दिख गया मुझे मतलब तुम लोग की प्रायोरिटी सेट है नियम से लेट आना एकदम कितने बच्चों ने पहले तो ये सॉल्व किया
चलो इधर आओ, ड्रॉप योर पेन डाउन, सुनो मेरी बात। पहले बताओ सर्किट के बेसिक्स क्लियर है? जीरो मानो चालू हो जाओ, ना फंसो तो सर्किट सॉल्व कर लो, फंस जाओ तो क्या मान लो एक्स, और क्या लगा दो जंक्शन लॉ। फेयर इनफ, आओ सॉल्व करते हैं। नीचे जीरो अज्यूम किया होगा लेकिन सबने, चलो यहां पे जीरो, तो यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, इधर जीरो, इधर -4, इधर 2, इधर -10, इधर 4। और क्या लिख सकता हूं क्या मैं? इधर कितना है? 2। इसमें तो करंट आ गया डायरेक्ट, तो जंक्शन लॉ सिर्फ उधर लग रहा है, और इसमें भी करंट आ गया, तो यहां पे आप एक्स अज्यूम करोगे और जंक्शन लॉ लगाओगे। और इसमें जंक्शन लॉ लगा देंगे, सही बात है? कैसे सॉल्व हो जाएगा? पक्की बात? कोई डाउट? कितना आ रहा आंसर? ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया क्या? मत करो, क्यों मत करो? कैन आई रेज दिस? अरे इसमें डाल नहीं सर, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन अगेन। ये क्वेश्चन दोबारा बनाओ, दोबारा सॉल्व करो, और बातें मत करना। अगर कभी गलती से उस लेवल तक गए तो तीन वेरिएबल दे सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम अगर आपको मानने की जरूरत पड़ रही है तो अपना क्वेश्चन चेक करना। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे ठीक है, अब सुन मेरी बात। क्या मेरे पास दो जंक्शन है? अरे दो जंक्शन है, देखो पहली इक्वेशन यहां पर एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स प्लस 10/2 प्लस एक्स माइनस वाई बाय 2
इज इक्वल्स टू जीरो. दूसरी इक्वेशन याद रखें, वाई माइनस एक्स बाय टू प्लस वाई माइनस टू बाय टू प्लस वाई बाय टू प्लस वाई प्लस फोर बाय टू. दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करना आपका काम. क्या मेरी बात क्लियर है? सॉल्व करो, आंसर निकालो एक्स वाई. सिमोन गॉट इट? इवन मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये जो क्वेश्चन आप सर्किट थ्योरी कर रहे हो ना, टफ क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है. ये सब मेंस और इंट के ऊपर के क्वेश्चन हैं. इंपॉर्टेंस पता चल रही है लेक्चर छोड़ने की. छोड़ो छोड़ो. यस मिस्टर आरुष, लास्ट लेक्चर में क्यों नहीं आया था? लास्ट लेक्चर में क्यों नहीं आया था? किसके साथ? अकेले बाहर कैसे हो सकता है कोई क्लास छोड़? कितने लोगों को लगता है सच बोल रहा है? ये अकेले बाहर क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? ठीक है, एक आ गया तो दूसरा तो आ गया. इस पे आ जाओ. सेकंड पोर्शन सेकंड पे आ जाओ. सोच में इसको और बढ़ा के ना z भी कर सकता हूँ. करने को तो मैं a b c भी कर सकता हूँ, बट उतनी इक्वेशंस बनती नहीं है.
कितने सर्किट किए अभी तक हम लोग ने? एडवांस टाइप चले जाते हैं दो वाले भी तो ठीक है फिर भी कर लिया हमने आरुष को यकीन नहीं हो रहा क्लास में बड़े-बड़े एडवांस के क्वेश्चंस हो रहे हैं मैंने तो सोचा ही नहीं था सर सिद्धार्थ आंसर चाहिए मुझे No one will say the equation. मैं बस अब रिकॉर्डिंग के लिंक्स भेजूंगा सिमोन की मॉम को अरे कितना आया साने मैं ना कुंड में फेंक दूंगा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है आलस करो भैया प्लीज आलसी मत बनो अच्छा ऐसे कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं जैसे तुम दोनों ने एक्स और वाई से एक पॉइंट माना है ओजा सॉल्व किया इक्वेशन लिखी एक्स इज इक्वल टू वाई फोर आ रहा है 42 42 242 मतलब एक्स इक्वल टू वाई 42 x is 2y 4 hamza x is 2y 4 kitna aa raha hai yeah galat hai x equal to 23 by 11 aa raha hai chalo ab solve karte hain nahi sir x 3 aayega 33 aayega 23 are baatein nahi please कैलकुलेशन यार कोई मिस्टेक है बताओ एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है यार यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स प्लस फोर हुआ ना माइनस से प्लस इंक्रीज हो गया एक्स प्लस फोर ठीक है राइट है यही है कितना आ रहा है आंसर मैं भी क्वेश्चन लिख के अब छोड़ दिया करूंगा सॉल्व नहीं करूंगा मैं वैल्यूज में दोस्त आप बस जाएगा मैं
अरे इस टाइप के क्वेश्चन तो बना सकते हो, बना सकते हो, नहीं बना सकते पूरी किताब लिख सकते हो तुम इस पे सर्किट थ्योरी पे। डन 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 कुछ आया था कितने बच्चों को सर्किट थ्योरी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा ठीक है साले समझ में आया समझाओ चलो ठीक है डन डन डन। सर्किट थ्योरी आपने 10th क्लास में भी करी है बट आपने बेसिक सर्किट्स किए हैं, थोड़े से एडवांस लेवल टाइप के सर्किट्स हैं बट जितने भी सर्किट हैं बेसिक या हाई स्टैंडर्ड के सॉल्व वैसे ही करना है। अरे हो गया, बाकी मुझसे पूछना क्लास के बाद। फेयर एनफ। चलो सीरीज पैरेलल, क्या आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑफ पैरेलल पढ़ी है? किसको किसको याद है, किसको किसको प्रूफ याद है? वेरी नाइस, परफेक्ट। रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है सबको पता है R इक्वल कितना आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगेन इसका प्रूफ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, बोर्ड वालों को कुछ नहीं करना, यही पूछते रहते हैं प्रूफ करो प्रूफ करो। देख ध्यान से मेरी बात सुन, R1 R2 ठीक है, लेट अस से इनके क्रॉस बैटरी लगी है विद पोटेंशियल वी, क्या मेरी बात क्लियर है? करंट आई इज फ्लोइंग, R1 के क्रॉस है पोटेंशियल V1, R2 के क्रॉस है पोटेंशियल V2, सो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, वी नीड टू रिप्लेस दिस सर्किट बाय R इक्विवेलेंट, हमें इस सर्किट को R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना है, सो V की जगह मैंने लिखा I इनटू R इक्विवेलेंट, V1 इज IR1 प्लस IR2, I कट गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। ये वाली मैंने दो लाइन में किया है लेकिन बोर्ड में आएगा तो आपको इसको एक पेज में करना है। फेयर इनफ। अरे ठीक है ठीक है, जल्दी करो।
Can I raise this? Done, done, done. Yes, sir. Yeah. Speed bro, speed bro. क्वेश्चन सॉल्व करो और गलत कर लेना तो घर जाके शर्मा लेना थोड़ा. अरे क्या मेरी बात क्लियर है? प्रूफ देखो इधर, इसको इससे रिप्लेस करना है. अगेन प्रूफ इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स. I is equals to I1 plus I2 V by R equivalent is equals to V by R1 plus V by R2. 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है या करंट सेम होता है? When resistances are connected in parallel, then potential difference across them is same या current is same? Series में क्या same होता है? घरों में supply potential, sorry, घरों में supply parallel में add करते हैं series में? घरों में connection parallel होता है series? क्यों? दो reason है, because voltage सारे appliances के across आपको सेम चाहिए. एंड सेकंड इज अगर एक इक्विपमेंट बंद पड़ जाए तो दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं. ये सब बातें तुमने 10th में बड़ी कुछ याद आ रही है. ये सब नहीं पढ़ाते हैं भैया 12th में. ये प्रूफ आता है बोर्ड में.
पूछते हैं टाइम पास टू, ठीक है ना? Present to me. The total current in the circuit is 5 amperes. Total current कितना है? 5. Resistance दी हुई है individual. Calculate I1, I2, I3. Simple question. Answer दो. Again, 10th standard. Calculate I1, I2, I3. यार तुमको करंट पढ़ाया था ना जयेश सर ने डिटेल में, और आपने मास्टर क्लास में किया था वो मुझे याद नहीं, बट जयेश सर ने पढ़ाया था बीजी के लिए भी कैलकुलेट आई वन आई टू आई थ्री सर पहले पता होता है टेंथ इतना इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दे देते सर आपने बोला था टेंथ के पूरा मैंने बोला था टेंथ के रिजल्ट्स भूल जाओ ये थोड़ी बहुत अटेंड किया था ऐसी बातें ये हमजा ये टी शर्ट तूने फ्लिपकार्ट से लिए ना सेम मिल रही फ्लिपकार्ट से इसमें इतनी एक मिनट ये सस्ती है मैंने कब बोला कौन बोला सस्ती मैं बोला मीशो पे मीशो क्या रहता है मीशो पे भी है नए आ गए एकदम सारी मस्ती निकाल दूंगा एक दिन में क्या इतनी बार बोला मैंने टाइम पास मत करो ये आता है तुमको सॉल्व करो ना यार आ रहा है। 4 + 2 6 6 + 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
यार एक मिनट सुनो मेरी बात, पहले तो कैसे करेंगे, क्या सबसे पहले आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, कितना आ रहा है सबका 8/7 आ रहा है पक्का, पर आर इक्विवेलेंट आ गया, नेट करंट आपको पता है कि आपके पास वी आ गया, यस और नो, क्या वो वी इन सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, तो आपके पास वी है इंडिविजुअल आर है करंट का, लो यार क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ आई, यस और नो, ठीक है दोबारा सुन, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, करंट है हमारे पास भी कैलकुलेटेड भी, once we get the potential drop will be same across the individual resistance, so potential drop है, resistance है, current निकाल लो यार, yes sir, Dev, Kunal, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, सुनो मेरी बात, how much is R equivalent? 8/7 सबका आया है? 8/7 मैंने R equivalent, अरे अब मैं कर रहा हूँ बातें नहीं, ठीक है इंडिविजुअल आई वन की वैल्यू इज वी बाय आर वन सो दैट विल बी 40/7 20/7 आ रहा है मेरा तो ठीक है सिमिलरली दिस विल बी आई वन आई टू विल बी 40/7/4 दैट इज 10/7 एंड आई थ्री विल बी 9/7 कितने लोगों से हुआ था और कितना सोचा था ऐसे करना उदाहरण क्या कर रहे थे तुम थोड़ा सा आंसर वन लाइन में दे देता है और कोई खास बात नहीं है फिर ना मेरी बात सुन ध्यान से सेम क्वेश्चन ठीक है देख सेम क्वेश्चन के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं आई वन इज टू आई टू इज टू आई थ्री यस और नो लिख सकता हूं ना पक्की बात फेयर इनफ तो देख वैल्यू जुड़ा के रखता हूं आई वन इज टू आई टू is to I3 is equals to 1 by R1 value kitni 2 is to 1 by 4 is to 1 by 3 usko simplify kar lo to 8 se multiply kar dete hain 4 is to 2 is to 1 yes or no yes ye baat samajh aayi pakki baat tumne kabhi ganit mein component ko dividend ko padha yes कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया देख ध्यान से मेरी बात सुनो आई वन अपॉन आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 1 दिस इज नथिंग बट 5 आंसर अरे दिस इज नथिंग बट 5 टोटल मतलब आई वन की वैल्यू देख क्या है 20/7 एम्पीयर सिमिलरली सुन 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 गाड़ी खत्म नहीं हुई I2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 7 सो I2 इज सिंपली I3 इज 1 लाइन क्लासिक यूज ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड वैसे भी कर सकते हैं
ना वो वहां पे ना रोहित सर मिलेंगे आपको, उनके पास जाना और पूरी बेचैनी से पूछना सर व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ डिवीजन. आता था कंपोनेंट ऑफ डिवीजन समझ में आया ये? फिर ना थोड़ा सा वन लाइनर बना देता और कोई खास बात नहीं. उदाहरण चाहिए ना तो एक भी लगा सकते हैं. ये किसने बोला दोनों साथ में लगाओ? कंपोनेंट ऑफ या नो तुम लोग की गणित ना मुझसे भी ज्यादा कहीं गुजरी है. मेरी तो है ही कहीं गुजरी. कैलकुलेशन से आपको ये मेथड बचाएगा. सॉल्व करके देख एक बार में आंसर आएगा. राइट आउट I1 I2 I3 इज 1/12 प्लस 1/12 1/3 1/5. सॉल्व करके देख एक बार में आंसर आएगा. 11 तक को सॉल्व हो जाना चाहिए. क्या कर रहे हो? 60 है मेरे ख्याल से. अरे इसके लिए बताया था तुम्हें वन लाइनर सिंपलीफाई उसने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 1/12 इनटू 60 विल गिव यू 5. 1/3 इनटू 60 विल गिव यू 20 एंड 1/5 इनटू 60 विल गिव यू 12. अब लगा दिया कंपोनेंट ऑफ डिग्री 2. I1/7 इज 5/37. 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. I2/7 is 20/37. फिर मल्टीप्लाई कर दिया. I3/7 is again 12/37. फिर मल्टीप्लाई कर दिया.
अरे ऑब्वियसली इजी तभी बता आंसर आया हमजा ठीक है ना एक छोटा सा तरीका और कोई खास बात नहीं है ना आंसर वैसे भी आएगा जैसे हमने पहले किया था बट वो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्या ये ना इसमें वन लाइन आई वन आई टू एक्चुअली निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे सबसे पहले आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे फिर करंट निकालेंगे फिर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे बनाया बड़ा मजा आया अबे डायरेक्टली वोल्टेज दिया ना सॉल्व करना अरे डायरेक्टली वोल्टेज दिया है आई वन आई टू एक्चुअली निकालना अरे डायरेक्टली दिया है ना सर आई कमेंट निकालेंगे अच्छा मतलब तो सॉल्व करेंगे जो भी है अरे क्या मेरी बात क्लियर है चलो आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट के वी विल डू टुमारो